हेलो फ्रेंड्स, तो फूड विद ट्विस्ट में आप सबका स्वागत है। तो शाम के नाश्ते में आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ वो मैं आप सबको दिखाती हूँ। मैं ब्रेड से ब्रेड नॉर्मल ब्रेड तो सबके पास अवेलेबल होगा, तो मैं ब्रेड से कुछ अलग बनाने जा रही हूँ। मैंने ब्रेड को छोटे छोटे स्क्वायर से मैंने इस तरीके से तोड़ सकते हो। आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो, व्हाइट भी ले सकते हो, डजेंट मैटर, कुछ भी ले सकते हो। तो मैं नॉर्मल रफली रफली आप ऐसे कर सकते हो, इसको इस तरीके से ब्रेक कर लो सारे ब्रेड्स को, काफी अच्छे से कर लो। और इस तरीके से सारे मेरे पास इतने ब्रेड्स हैं, मैं सब, तो फ्रेंड्स मैंने ये सारे ब्रेड्स को इस तरीके से तोड़ लिया है रफली बिल्कुल आराम से। और ब्रेड मेरा बहुत दिन से मैं रख रखा था, अब मैं इसको इस तरीके से मैंने तोड़ लिया। और फिर मैंने लिया है रिफाइंड रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल भी ले सकते हो, विनेगर, सोया सॉस, मैगी मसाला, थोड़ा सा अपने स्वाद के अनुसार नमक लो ले सकते हो, हल्दी इज ऑप्शनल, चाहो तो लो, अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी। और सब्जियां में आपके पास जो भी अवेलेबल आप ले सकते हो। मुझे सिंपल बनाना था इसलिए मैंने प्याज बिल्कुल छोटे छोटे रफली चॉप किए हैं, मैंने छोटे छोटे किए हैं। और ग्रीन चिलीज और गार्लिक, इस गार्लिक को मैं आइदर आप इसको ग्रीट करके डाल सकते हो और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट करके लाइक दिस मैं इस तरीके से डालना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है। और जैसे कि आप सब जानते हो, फूड विथ ट्विस्ट, यस, तो मैं कुछ भी बना रही हूँ तो उसमें देसी तड़का लगाऊंगी मैं, फूड विथ ट्विस्ट, समथिंग कुछ ट्विस्ट होगा मेरे खाने में। तो इसे मैं इस तरीके से छोटा छोटा रफली चॉप कर लूंगी लाइक दिस। आप इसको ग्रेट भी कर सकते हो एज पर यू विश। मैंने इतना लिया है, अब मैं करूंगी गैस को ऑन। से जो भी एक्सेस ऑफ वाटर मैं हटा दूंगी और इस डिश की पता है सबसे स्पेशल बात क्या है, इसमें ना ज्यादा ऑयल भी नहीं लगता है और काफी कम ऑयल में आप इसे अपने घर पे आराम से बना सकते हो। ये हेल्दी भी है और इवनिंग स्नैक के लिए परफेक्ट है बिल्कुल। मैं तो हमेशा इतनी अपने घर पे नाश्ते में ये बनाती हूँ, मेरे घर पे सबको काफी पसंद है ये। और मैगी मसाला से एक अलग ही ट्विस्ट आ जाता है इसमें। नाउ मैं तेल को गर्म करूंगी, तेल जैसे गर्म हो जाएगा मैं इसमें पहले लहसुन को डालूंगी, गार्लिक को मैं डालूंगी जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, मैं अभी दिखाऊंगी। तो दोस्तों तेल हो चुका है गर्म, मैं इसमें डालूंगी गार्लिक जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, तो अच्छे से चटकने देंगे। ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा, देखो इसका कलर बिल्कुल ब्राउन, लाइट ब्राउन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें बाकी चीजें डालूंगी। ये हो चुका है ब्राउन, ये देखो दोस्तों मैंने कितना ब्राउन किया है, एक बार आप लोग देख लो कितना ब्राउन होना चाहिए। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा अनियन, मैंने रफली चॉप किया हुआ था छोटे छोटे में। आप इसी के साथ गार्लिक भी डाल, ये भी डाल दो, ग्रीन चिलीज भी डाल दो। इसको अच्छे से सौते करेंगे जब तक बिल्कुल प्याज बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए, जब तक मैं इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। आफ्टर दैट आई विल ऐड ऑल दिस मटेरियल। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल हो चुका है सॉफ्ट। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी नमक एज पर माई टेस्ट, आप लोग भी अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लो। इसके बाद मैं बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी डालूंगी, आप चाहो तो इसको नहीं भी डाल सकते हो, मैंने बिल्कुल हाफ टी स्पून हल्दी डाला है। देन मैं थोड़ा सा इसमें विनेगर डालूंगी,
अगर आपको इसका टेस्ट नहीं पसंद है तो कोई जरूरत नहीं है इसको डालने का, लेकिन मुझे काफी पसंद है तो मैं विनेगर डाल रही हूँ। अब मैं डालूंगी सोया सॉस। अब यहाँ पे हम डाल देंगे सोया सॉस। अब फिर हम डालेंगे मैगी मसाला। पहले मैं थोड़ा सा ही डालूंगी, बाकी मैं ब्रेड डालने के बाद डालूंगी। तो फिर से मिक्स कर लो। से मिक्स कर लिया है, अब मैं ये डाल दूंगी एक मिनट। उसके बाद फिर मैं सोया सॉस के बाद डालूंगी टोमेटो सॉस। जितना आपको मीठा पसंद है उतना आप डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। टोमेटो सॉस पे और इसको अच्छे से मिक्स कर लो। अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे ऐड कर दोगे अपने सारे ब्रेड। ब्रेड को डालने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स कर लो इसको, और फिर जब ये पूरा मिक्स हो जाए तो इसको तेज आंच में फ्राई करेंगे ताकि ब्रेड जो है थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, क्योंकि जब ये क्रिस्पी होगा ना तभी ये खाने में मजा आएगा, अदरवाइज ये मजा नहीं आएगा खाने में जब तक ये क्रिस्पी ना हो। तो ये देखिए पूरा हो चुका है फ्राई, बिल्कुल देख लो इस तरीके से फ्राई हुआ है ये। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है धनिया पत्ता गार्निश करने के लिए, और उसके बाद मैं इसको सर्व करूंगी गर्मा गर्म चाय के साथ। ये देखिए दोस्तों मेरा ब्रेड, इसको मैं ब्रेड ढोकला के नाम से बोलती हूँ, आप चाहो कुछ भी नाम दे सकते हो। तो ये बन के हो गया मेरा तैयार, और मैं इसको सर्व करूंगी गर्मा गर्म चाय के साथ। ये लीजिए, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब।